और बहुत ही खूबसूरत दिन है और बहुत ही माननीय दिन है और इस दिन हम शगुन गुप्ता फाउंडेशन का मान रखा है सब लोगों ने यहाँ पे आके, हमने शगुन गुप्ता फाउंडेशन की स्थापना की है, बहुत ही खूबसूरत रहा है और एक से एक महान अतिथि यहाँ पे आए थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी काम किया है, एक्सपीरियंस्ड है अपनी लाइफ में काफ़ी काम करके, तो काफ़ी देखने को मिला है और काफ़ी उन्होंने सपोर्ट किया है और काफ़ी ज़्यादा फाउंडेशंस यहाँ पे सपोर्ट देने के लिए हमें आई हैं, तो बहुत ही खूबसूरत रहा है और बहुत ही सपोर्ट सिस्टम हमें मिला है वहाँ से। हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेड डे है, 26 जनवरी को साल पूरे हुए 72 और आज़ादी हमारी हो रही है बेहतर से बेहतर। मैं समझता हूँ कि हमें बड़ा गर्व महसूस करना चाहिए, हमारे सारे जिन्होंने देश के लिए अपना सेक्रीफाइस किया, बलिदान किया, ऐसे सारे वीर पुरुषों को प्रणाम है जिनकी वजह से हम आज़ादी से लोकतंत्र के अंडर हम लोग घूम रहे हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान, फ्रीडम ऑफ स्पीच का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे 26 जनवरी को, गणतंत्र दिवस को, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को परम पूज्य और तमाम हमारे सारे ज्येष्ठ नेताओं को मैं प्रणाम करता हूँ, लीडर्स को मैं प्रणाम करता हूँ जिनकी वजह से आज हमारा ये सुनहरा भारत और भी सुनहरा होता जा रहा है। बिल्कुल, उनका फर्स्ट था, मैं उनको जानता नहीं था, लेकिन आज जब मैंने उनको सुनने के बाद मैं इनका फ़ैन हो गया हूँ, क्योंकि इन्होंने जो आज मेकअप की बात की है कि परमानेंट मेकअप, पहले तो मैं ही करवाऊँगा और मतलब ये वाकई में इंडिया में बहुत कम था। मैं दुबई में एक मेरी फ्रेंड है, उसने करवाया था, लेकिन मैं तब समझा था कि ये होता है क्या, लेकिन जब इंडिया में आ चुका है और अपनी इंडियन ही है तो मैं लोगों से कहूँगा कि आप आइए, आगे बढ़िए और बिंदास बेधड़क मेकअप करवाइए, परमानेंट मेकअप, बाकी खर्चा बच जाएगा, मतलब परमानेंट हो जाएगा ना, सीधा उठो, सीधो गुड मॉर्निंग बोलने से पहले मेकअप रेडी नहीं मिलेगा, मतलब आपका पति भी आपसे नाराज़ नहीं होगा, आप जल्दी से जल्दी रेडी मिलोगी, आप है ना, शॉर्टकट एकदम। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पे शगुन गुप्ता जी ने बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है और वो जो काम कर रही है अभी एसिड अटैक के जो पीड़ित हैं उनके लिए, कैंसर पीड़ितों के लिए बहुत बढ़िया काम कर रही है वो, और इसके बाद ऐसे ही वो काम करती रहे। आज और भी उन्होंने बहुत शहर के अच्छे गणमान्य लोगों को बुलाया जो सब उनसे प्रेरणा लेके जा रहे हैं, मैं उनसे प्रेरणा लेके जा रहा हूँ और आगे हम उनको सपोर्ट करेंगे और इस काम को इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे। फाउंडेशन के कार्यक्रम में आप शामिल हुए, समाज के लिए एक अच्छा कार्य, और मुझे ऐसा लगता है कि समाज के सभी व्यक्तियों को समाज के प्रति भी थोड़ा बहुत जागरूक रहना चाहिए और समाज की मदद भी करनी चाहिए। शगुन गुप्ता फाउंडेशन के द्वारा एक सामाजिक कार्य, एक अच्छा कार्य हो रहा है और उन्होंने पहला फाउंडेशन का ये पहला समारोह यहाँ पर रखा है और उसमें सभी वर्ग के व्यक्ति लोग आए हैं, सभी क्लास के लोग आए हैं और सबको सम्मानित किया गया है जिन्होंने समाज के लिए अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ और शगुन गुप्ता फाउंडेशन की जो चेयरमैन शगुन गुप्ता जी, उनको बहुत बहुत बधाई दी। जी जी, मुझे बहुत खुशी है आज 73rd रिपब्लिक डे के दिन हम सब यहाँ पर मिले, सुनील पाल जी, इतने सारे हम भी हैं, नामपाल पाल ये मुझे बोलने नहीं दे। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर, आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। शगुन गुप्ता फाउंडेशन इज डूइंग ग्रेट वर्क। उन्होंने दो बातें बताई, आई विल कीप इट वेरी क्रिस्प एंड शॉर्ट, दैट औरतें जो पेशेंट्स हैं, एसिड अटैक पेशेंट्स हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं और भी बहुत अनेक तरीके की बीमारियां जो औरतों को होती हैं, तो प्लास्टिक सर्जरी इज़ नॉट अ टैबू, यू हैव टू गेट सर्टन थिंग्स डन फॉर योर ओन सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप अपनी ब्यूटी के लिए, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए आगे चलकर अपने आप को ब्यूटिफाई करती हैं या कुछ अपने आप पर काम करती हैं, दैट्स ग्रेट थिंग, देर इज नथिंग टू हेजिटेट अबाउट इट, डू इट, डोंट बी स्केयर्ड। आपके लिए डॉक्टर्स अवेलेबल हैं,
लोग अवेलेबल हैं, बी क्रिएटिव, बी कॉन्फिडेंट. जितने भी लोग इस तरीके का गलत काम करते हैं औरतों के साथ में, फॉर देम दीज वुमेन अपने आप को एम्पावर करके जवाब वापस देंगे. सो आई विश ऑल द वुमेन, ऑल द वुमेन पावर, यू गो अहेड एंड जस्ट डू इट. जय हिंद, जय भारत. मैं शगुन गुप्ता की जो एंजॉय है उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ. जैसे कि आप सब जानते हैं आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है. आज के दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 को फॉर्म हुआ था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी है अच्छे से करिए और इसमें सबकी सहायता की जरूरत होती है. और जो हमारे वीर जवान हैं जो शहीद हुए हैं उनकी जो मां है मैं उनको शत शत नमन करना चाहती हूँ. कितनी गर्व की बात है कि 26 जनवरी बहुत अच्छा लगता है जब कोई बुला के हमारे काम को सराहा जाता है. इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और आगे हमें लगता है कि हम इससे अच्छा और काम करें तो ये हमारा मनोबल बढ़ाता है. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आज इनसे ये अवार्ड मिलके, इससे मेरा मनोबल बढ़ रहा है और आगे भी मैं और अच्छा काम करना चाहूँगा. शगुन गुप्ता फाउंडेशन बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं. जी ने बताया कि सोशल समाज सेवा में बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं और हमें हमारा हमेशा इनका साथ रहेगा और रहता है और रहेंगे. वहाँ अच्छे कार्य होते हैं वहाँ मेरा रहना अनिवार्य होता है और मैं रहना चाहता हूँ. क्या कहेंगे इस तरह के कार्यक्रम और होने चाहिए? हाँ, इस तरह के कार्यक्रम और भी ज़्यादा हो और लोगों को प्रोत्साहित किया जाए और लोगों में अच्छी जानकारी अजीब भावनाएं पैदा की जाए. जैसे शगुन गुप्ता जी समाज सेवा करके लोगों को कहती है और लोगों को सम्मानित भी करती है राज्य के लिए. और शगुन गुप्ता फाउंडेशन का जो वर्क चल रहा है 5-6 साल से पहला उनका ऑर्गेनाइज प्रोग्राम है तो बहुत अच्छा लगा कि ये प्रोग्राम को हम मेरे को बुलाया और मैं मेरा कंपनी का जो कुछ प्रोडक्ट था उस लोगों को मैंने गिफ्ट तौर पर दे दिया है. तो अच्छा अच्छा लगा है शगुन गुप्ता फाउंडेशन का. शुक्रगुजार हूँ ज़्यादा से ज़्यादा. मैं शैलेश भाई का शुक्रगुजार हूँ. अच्छा सुनता अगर बात करें तो आपने कहा कि मैंने गिफ्ट किया तो गिफ्ट में क्या देते हैं? मैंने कंपनी का टी है, अगरबत्ती है, सब सारे प्रोडक्ट है लॉन्च करे. अभी तो हमने लोगों को अगरबत्ती का प्रोडक्ट है, नेचुरल प्रोडक्ट हमने बना, खुद के मैन्युफैक्चरिंग है. बहुत सारे हम प्रोडक्ट यहाँ पे ला रहे हैं. अगर प्रोडक्ट की बात करें तो अपनी कंपनी में किस तरह के प्रोडक्ट है, क्या क्या ग्लोबल सनशाइन क्रेडिट सर्विसेज कंपनी में हमारे गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक सब सारे प्रोडक्ट हम ला रहे हैं. अभी हमारा अगरबत्ती रेडी हो चुका है और टी रेडी हो चुका है, इंस्टेंट टी है, इम्यूनिटी बूस्टर है, लेमन जार जिंजर है. बोले तो गर्म पानी में डालो तुरंत चाय बन जाएगा. सोप है हमारा, पूरा सोप है, हैंडमेड सोप है, विदाउट केमिकल है. बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हम ला रहे हैं. चलिए थैंक यू. सबसे पहले तो मैं गणतंत्र दिवस की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ. और आज के दिन मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूँ. शगुन फाउंडेशन ने मुझे इनवाइट किया है, ये मेरे लिए आज के दिन सौभाग्य की बात है. और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह आज का जो गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं, आज के दिन हमारा जो संविधान था उसको लागू किया गया था, तो मैं चाहती हूँ कि जो लोगों की सोच है वो भी स्वतंत्र रूप से आगे बढ़े. थैंक यू. हाय, मेरा नाम पल्लवी है और मुझे शगुन गुप्ता फाउंडेशन की तरफ से आज इन्विटेशन दिया है तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है. और आज 26 जनवरी है तो आज का दिन तो बहुत ही अच्छा है. आपको और से संबंधित किया, कितनी गर्व की बात है? मेरे लिए काफ़ी गर्व की बात है क्योंकि आज का दिन काफ़ी स्पेशल है और आज के दिन अवार्ड मिलना तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी बात है. यू नो सम टाइम तो कभी भी हम लोग अवार्ड लेते हैं लेकिन आज का दिन तो काफ़ी स्पेशल है. बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे यहाँ पर बुलाकर सम्मान दिया है. शगुन गुप्ता फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है. ये जो बर्न हो जाते हैं, आई मीन जो सुंदर नहीं दिख पाते, उनकी गलती नहीं, किसी और की गलती की वजह से उनकी ज़िंदगी ख़राब होती है. उनकी ज़िंदगी बचाने का काम कर रहे हैं, उनकी शादी करवाने का काम कर रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, उनको एक अच्छा घर देने का काम कर रहे हैं. सो आई एम वेरी हैप्पी कि ऐसा थॉट भी आया है एंड मैं सपोर्ट करती हूँ. सबसे पहले मैं मीडिया कर्मी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, वही इंडस्ट्री को और हमको नाम और फेम देते हैं
और मैं शगुन गुप्ता फाउंडेशन के सर्वा सर्वा शगुन गुप्ता और संजय अमन जी, इन्होंने बुला के मुझे इधर सम्मानित किया, उसके बारे में मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जैसा शगुन गुप्ता जी ने बोला कि बहुत सारे उम्र से, अरे पुनित जी, बहुत सारे लड़कियों के ऊपर एसिड थ्रो होता है तो उनकी शादी नहीं होती है, उसके ऊपर शगुन गुप्ता भी काम कर रहे हैं, या किसका कैंसर का है या और कुछ भी लड़कियों के लिए वो परमानेंट मेकअप बोल रहे हैं, मैं तो उसको बोलूँगा परमानेंट मेकओवर है वो, मेकअप नहीं मेकओवर है वो, क्योंकि आप उनको पूरा नया जिंदगी दे रहे हो। तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं शगुन गुप्ता जी, और मैं तो बोलता हूँ उनका नाम नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट करना चाहिए। थैंक यू। बहुत ही अच्छा आज का ये प्रोग्राम, जैसा कि शगुन गुप्ता फाउंडेशन का ये आयोजन था, उनका नाम ही शगुन है और 26 जनवरी के इस अवसर पर अच्छा शगुन था कि इनके फाउंडेशन की अच्छी खूबसूरत ओपनिंग हुई। मैं देखिए, जितना मैंने सुना समझा बस उसके अकॉर्डिंग यही है कि शगुन गुप्ता फाउंडेशन इज़ रियली वर्किंग अ ग्रेट थिंग, क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत कम सोसाइटी के लोग होते हैं जो वी यूज टू कम अप विद दीज काइंड ऑफ मोटो फॉर द सोसाइटी। सो आई एम रियली थैंकफुल संजय जी का कि वी आर पार्ट ऑफ दिस प्लेस, वी आर पार्ट ऑफ दिस फाउंडेशन। सो एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, एंड आई विश ऑल ऑफ अस, आई एम वेरी हैप्पी कि हम भी आगे जाके इसके लिए और इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के डेफिनेटली वी विल लव टू डू सो मेनी थिंग्स, जो भी सोसाइटी के कॉन्ट्रीब्यूशन में आएगा वी विल, वी आर रियली हैप्पी। थैंक यू सो मच। डॉक्टर भक्ति जी, मैं डॉक्टर हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, और मैं बहुत आभारी हूँ शगुन जी के लिए कि उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और एक फैमिली जैसे ट्रीट किया। सो और मेरा मोस्टली काम है वुमेन केयर पे काम करना, और इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।